एठारे अच्छी जीरो माइल। जीरो माइल हेउची यूनाइटेड इंडिया रो केंद्र। राज्य गुड़िकर दूरता मापिबा पई व्यवहृत हुए एही केंद्र। प्रत्येक देश रे एक भौगोलिक केंद्र थाए, सेही बळी एहा भारत रे मध्य रहिछि। एहा को ब्रिटिशर्स माने तयारी करथिले। एही स्थान भारत रे एक शहर रे पड़े जेउठारे जीरो माइल स्थापित होइथिला। विशेष कथा हेउची एही शहर रु भारत रो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता चारोटी प्रमुख शहर प्राय समान दूरता रे अवस्थित। जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने भारत को विभाजन कले, विभाजन परे नागपुर को समग्र देशर केन्द्र भावे विवेचना करा जायथिला एवं एठारे एक पथर प्रतिष्ठा करा जायथिला जहार ना दियागला जीरो माइल। प्रत्नतात्विक भाषा रे नागपुर रे जीरो माइल स्थापित होइथिबा स्थान हेउची भारतर भौगोलिक केन्द्र। नागपुर ठारु देशर अन्य राज्य पर्यंत दूरता मापिबा पई एही केन्द्र व्यवहृत होइथिला। विशेष कथा हेउची दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई एहाठारु प्राय समान दूरता रे अवस्थित। एही समस्त मेट्रोर दूरता एहाठारु प्राय हजार किलोमीटर दूर रे रहिछि। तेबे केतेक रिपोर्ट रे एहा मध्य कहा जाइछि जे भारत विभाजन एवं पाकिस्तान गठन परे एहा आउ एक भारतर केन्द्र नुहे। तेबे केतेक रिपोर्ट रे एहा दर्शा जाइछि जे भारत विभाजन एवं पाकिस्तान गठन परे एहा आउ भारतर केन्द्र होइ रहिनाहि। सेही रिपोर्ट अनुसारी भारतर केन्द्र मध्यप्रदेशर एक छोट गाँव को स्थानांतरित होइछि। जीरो माइल किंवा माइल स्टोन हेउछि भारतर एक ऐतिहासिक स्मारकी। 1907 मसीहारे जीडीएस समय रे एहा तयारी करा जायथिला। एही सर्वे पछरे उद्देश्य थिला समग्र भारतर उपमालद्वीप मापिबा। एही सर्वेक्षण समय रे नागपुर समग्र भारतर केन्द्र भावे परिगणित होइथिला। जदियो नागपुर को वर्तमान भारतर यूनाइटेड इंडिया केन्द्र भावे विवेचना करा जाए जेतेबेले पाकिस्तान एवं बांग्लादेश मध्य भारतर अंश होइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राइजिंग ओडिशा।